दोस्तों आज हमारे पास सुजुकी एसएस 125 सी न्यू मॉडल आया हुआ है। इसका वायरिंग इसलिए बदली हो रहा है, पूरा इसका जो चूहा है ने पूरा वायरिंग कट कर दिया हुआ है। तो आज मैं नया वायरिंग डालने जा रहा हूँ। नया वायरिंग करने का तरीका आज बताऊँगा। पहले बात, नया वायरिंग आप कभी भी गाड़ी का लेने जा रहे हो सुजुकी एसएस का, अगर ओरिजिनल कंपनी का, तो आपको जो ना है इसका नंबर आता है, नंबर आपको दिखा दे रहा हूँ। ये नंबर देखिए 366 10। इस पे देखो लिखा हुआ है, ये जूना जो होता है वायर कट हुआ था, वायर का नंबर है। अब इसमें आपको नंबर जो नया वाला होता है, अभी इसको ये देखिए सेम नंबर है 366010। देखिए नंबर बराबर इसको बराबर है। अभी इसका अगर आपके पास समझ लो पक्का गाड़ी का जो मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर देखो 2019 का समझ लो, ये गाड़ी का मॉडल नंबर है। और जो इसका अभी नया वायरिंग आया हुआ है देखिए 2021 का, ये देखिए इसमें डेट भी लिखा हुआ है 2021 का, ये मैन्युफैक्चरर जिसे ये आया हुआ है वायरिंग। अभी ये देखिए पूरा जो वायरिंग होता है, ये वायरिंग को बदली करने के लिए जैसे अभी पूरा मैंने देखो ओपन किया हुआ, ये देखिए पूरा वायरिंग, ये पूरा वो वायरिंग हो गया हुआ। नीचे से कहाँ कट हुआ है आपको दिखा रहा हूँ। वायरिंग करने के लिए आपको पूरा ये सब चीज़ आगे का ये सब खोलना पड़ता है। अभी देखिए पीछे का मैंने कहाँ से वायरिंग कट हुआ है, देखिए पूरा देखो वायरिंग जितना होता है अंदर से पूरा वायरिंग, यहाँ से पूरा वायरिंग कट हो गया हुआ है। तो इसलिए इसको पूरा नया डाल दे रहा हूँ। तो इसको नया डालने के लिए आपको देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक देखो पूरा आपको गंदगी दिख रहा होगा, पूरा इसके अंदर भरा हुआ था पूरा कचरा, देखो पूरा कचरा इधर पड़ा हुआ है इसका, इसके अंदर जो गंदगी होता है वो देखिए। ये पूरा ओपन किया हूँ यहाँ से, देखिए ये पीछे का जो होता है कवर वो भी ओपन किया हूँ इसका पूरा। जैसे आपको फर्स्ट टाइम कोई भी अगर बंदा खोलने जा रहा है तो बहुत इसका ये गाड़ी का वायरिंग या आप नया वायरिंग बहुत ईजी से हो जाता है। तो आपको वायरिंग करने के लिए देखिए अभी मैंने आपको आगे का दिखा दिया हूँ, अभी पीछे का ये बहुत ईजी से यहाँ से सब देखो ये देखिए पूरा यहाँ से सब इसको ऐसे ये निकालना पड़ता है पूरा, अभी जाम है पूरा। ये देखिए अभी यहाँ से इसमें वायर है और इधर जो होता है सीढ़ियाँ, एक्स्ट्रा सीढ़ियाँ यहाँ लगा हुआ है। अब पीछे जो टेल लाइट का होता है, ये टेन लाइट का सॉकेट है, यहाँ भी कट कर दिया हुआ है। ये टेन लाइट का जो है सॉकेट यहाँ भी कट हुआ है और ये जो सॉकेट दिख रहा है डबल वाला है देखिए, तो इसका भी जो है इसका भी वायर देखो कट कर दिया हुआ है। तो अभी सब इसको आपको कभी भी वायरिंग को चेंज करना है तो पूरा ये बॉडी को संभल लो पूरा खोलना पड़ता है, तभी जाके वायरिंग आप लगा सकते हो, नया वायरिंग फिटिंग कर सकते हो। देखिए पूरा पूरा खुला हुआ है, ये देखिए अभी ये देखिए जो वायरिंग होता है जो सॉकेट लगा हुआ देखिए, तो इसका जो सॉकेट का वायर होता है देखिए, एक तो इसमें लग गया हुआ है बहुत इजी से लग जाता है, ये देखिए। अब इसमें ये देखिए चार पिन का इसमें एक चार्जर होता है, बैटरी को जो चार्ज करता है, ये देखिए ये वाला वायर है, आपको दिखा दे रहा बाद में, मैं इसको अच्छे से फिटिंग करूँगा। ये चार्जर को हो गया, ये देखिए दो है, इसको फ्लेशर का हो गया, जो फ्लेशर देखो छोटा सा फ्लेशर आता आगे, ये फ्लेशर का लग गया हुआ है देखिए, लगा दी हूँ मैंने। अभी बच्चा दो, ये देखिए अब इसमें एक बैटरी का हो गया देखो, एक वायर ये और एक बैटरी का ये हो गया, ये मेन हो गया, ये अर्थिंग हो गया, ये आपका इंडिकेटर का हो गया देखिए, ये फ्यूज हो गया हुआ है और दो वायर ये होने का हो गया। अब आपको ऊपर दिखा रहा हूँ, ऊपर देखिए अभी आपको एक ऑन ऑफ बटन होता है जैसे इंडिकेटर का होता है बंद चालू करने का, और एक अपर डिपर का और स्टार्टर का बटन। अभी ये देखिए एक रिले जिसको बोलते हैं स्टार्टर रिले, स्टार्टर रिले का है, ये देखिए ये स्टार्टर का रिले का जो होता है, मैं इसको ये देखो एक बड़ा तरीका है और जो तरीका छोटा है, ये जो बड़ा वाला है बड़ा साइड में लग जाता है, ये फिटिंग हो गया हुआ है। अब इसका ये देखिए
इसका कलर देखिए और इसका कलर देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा होता तो आपको बता रहा हूँ मैं, इसका और इसका सेम कलर है। तो ये कौन सा साइड में आएगा, स्टार्टर का, समझ लो ये स्टार्टर का आपको नीचे से ये लेके जाना पड़ता है। देख लीजिए मैं कहाँ से लेके आया हूँ, पीछे से। तो आपको यहाँ से अंदर एक समझ लो लगाना है, देखिए यहाँ एक फिटिंग करना है। अब उसके बाद में लेफ्ट साइड, ये राइट साइड का समझ लो हो गया, ये लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड का देखिए, ये देखिए एक ही हो गया, ये दो हो गया, तीन हो गया। अब ये तीनों किसका आपको बता दे रहा हूँ, आप बराबर देखें, बराबर समय में आइएगा। ये देखिए एक दो तीन वायर है, तीन वायर एक किसका सॉकेट है, ये जो बटन होता है अपर डिपर उसका है। अब अपर डिपर आप समझोगे कैसे होता है आपको, देखिए देखिए इसमें देखो पीला है, इसमें भी पीला है, ये देखिए ये सेम कलर, ये भी सेम कलर। और जो बीच वाला है, ये बीच वाला ये आया हुआ है आपको जैसे चार्जर के पास से आया हुआ है, ये देखिए, ये देखिए सेम कलर, ये चार्जर के पास होके फिर डायरेक्ट इधर आया हुआ। तो इसको ये चीज़ को ये ऊपर फिटिंग होगा। अब आपको दो दिखा दे रहा हूँ, अभी दो देखिए। आपको जो नहीं समझ में आए उसके लिए बता रहा हूँ, आपको नहीं सोचेंगे सर गलत बता रहे। अभी ये जो चीज़ होता है इसमें देखो दो वायर है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा दो वायर अभी किसका है आपको इधर दिखा दे रहा हूँ मैं। अभी देखिए एक इसमें वाइट है और ये देखिए ब्लैक, ब्लैक में दो कलर है देखिए। तो इसका वायर ये हो गया, ये देखिए सेम कलर यहाँ भी है, ये हो गया होन का। अब इसमें आप सोच रहे हो ये अर्थिंग वायर है, ये देखिए ब्लैक और वाइट है, अर्थिंग है। तो अभी इसमें तीन वायर, अभी तीन वायर किसका है, ये देखिए इंडिकेटर का है। अब इंडिकेटर का अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा तो आप इसको मैचिंग करके देख सकते हो, इंडिकेटर, इंडिकेटर का आपको जो होता है ये देखिए सेम कलर यहाँ इसमें देखिए, ये देखिए सेम कलर आया हुआ है आपको यहाँ दिखा दिया हूँ। और इसमें एक जो आया हुआ है जो हेडलाइट का होता है जब आप जब गाड़ी चालू करते हैं, तो आप दूसरा इसमें देखिए, इसमें देखिए एक ब्लैक है और इसमें भी ब्लैक है, ये देखिए। अरे हो गया आपका इंडिकेटर, ये हो गया फोन। तो आप बहुत ईजी से आप वो वायरिंग कर सकते हो, वायरिंग करने का ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होता, एजिंग बहुत ईजी से। आप इसमें दो वायर का आप देखेंगे, देखो इधर दो निकला हुआ है, ये देखिए एक ब्रेक स्विच का है, ये देखिए ये ब्रेक स्विच में लगेगा। और हेडलाइट में जो होल्डर है, हेडलाइट का होल्डर है ये, और ये आपका ये हो गया मीटर का, ये देखिए ये मीटर को हो गया, इसमें मीटर में लगा दे रहा हूँ मैं। क्यों बराबर नहीं दिख रहा है, देखिए इसका जो सॉकेट होता है देखिए इस तरफ रहता है, ये बराबर खाँचे में बैठेंगे तभी आप इसको बैठा सकते हो, अगर नहीं बैठेंगे तो आप जबरदस्ती इसके नहीं बैठाना चाहिए, नहीं टूट जाएगा कुछ मुझे, ये देखिए ये बैठ गया। तो इसको लवड़ को ऊपर कर देना चाहिए। अभी ये देखिए ये जो लगाया हूँ मैं, ये देखिए इसे चूहा वापस नहीं कट करना चाहिए इसलिए मैंने लगा दिया हूँ। इसी तरीके आप इसको पीछे का वायरिंग आप कर सकते हो, बहुत इजी से वायरिंग हो जाता है। जैसे मान लो सी डी आई को हो गया हुआ है, ये देखिए, और ये वायर पेट्रोल कोक का हो गया, जो पेट्रोल इधर लगा हुआ है गेज बोलते हैं जिसको, पेट्रोल कोक मैंने बोला तो उसमें गेज आता है पेट्रोल कोक, तो यहाँ आता है देखिए, यहाँ एक पेट्रोल कोक लगा हुआ है, इसका भी वायर, इसका भी चूहे ने कट कर दिया पेट्रोल कोक का। तो ये देखिए अभी मैंने यहाँ भी लगाया, अब एक पाइप यहाँ भी लगाना पड़ेगा, इसका भी कट कर दिया पूरे चूहे ने, और देखो यहाँ भी एक पाइप आया था, यहाँ भी चूहे ने कट कर दिया है। तो इसका जो वायरिंग का बहुत ईजी से देख लीजिए, ये जो जाता है ये पीछे टेल लाइट इंडिकेटर का वायरिंग है आपको, यहाँ भी और भी है देखिए, समझ लो स्टार्टर का हो गया हुआ है सभी, और ये कॉइल बाटला कॉइल जिसको बोलते, ये इसका हो गया हुआ है।
नया वायरिंग करने बहुत इजी रहता है, वायरिंग कहीं कट कर दिया बीच से तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कभी वायर जैसे कलर तो कलर नहीं रहता है, वायरिंग जॉइंट हुआ रहता है तो उसमें प्रॉब्लम होता है, उसको चेक करने है। तभी नया वायर मैं डाल रहा हूँ जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत ईजी से इसका वायरिंग लग सकता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, वायरिंग करने के लिए आपको पूरा लाइन या बॉडी पूरा ओपन करना पड़ता है, ओपन करके तभी आप इसको वायरिंग कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते, शॉर्टकट में काम नहीं होता है। तो अभी इसका जो कंपनी का आता है, कंपनी के यहाँ से आता है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ से ऐसे ले लूँगा तो, क्योंकि इसका वायरिंग जल्दी कट नहीं होता, इधर रहता है तो जल्दी वायरिंग चूहे ने कट कर दिया। अभी मैं किधर से भी लूँ, इसको चूहा वायर नहीं कट कर सकता क्योंकि मैंने चूहा इसमें पाइप लगाया हूँ।